अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MNS उर्दू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन को बग़ैर USB के, बग़ैर वायर के या बग़ैर USB जो कार्ड रीडर होते हैं उसके अपने मोबाइल फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल MNS उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी फाइल है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो बग़ैर वायर के, बग़ैर USB केबल के अपने लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पर देखें मेरे पास वाईफाई फ़ाइल ट्रांसफ़र के नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर के अंदर जाएं और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र। और वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र लिखने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उसका कौन सा आइकन है, ये वाला आइकन है जहाँ पर वाईफाई बनी है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये चीज़ ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखें एक URL है जो हमें शोर है 192.168, जो भी URL है ये URL आपने अपने फ़ोन के अंदर या फिर आप किसी पेज पे इसको लिख लें क्योंकि यही आगे जाकर हमारे काम आने वाला है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से या फिर इसका आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, या फिर आप ऐसा करें कि इसको लिख लें या फिर यहीं पे रहने दें और यहाँ से जाकर जो है आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे लैपटॉप के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से मैं इसको कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आपने वो कोड जो आपने मोबाइल फ़ोन से जो URL कॉपी किया था या फिर आपने लिखा था वो आपने क्या करना है, उसको जस्ट यहां पे अपने क्रोम के अंदर जो भी आपका गूगल क्रोम है या फिर कोई और क्रोम है या कोई और ऐसा वर्जन है जो ब्राउज़र है वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो मेरा जो कोड था वो था 192.168, इसके बाद जो .43 और .1 और इसके बाद कॉलन्स हैं, ये कॉलन्स लगाने हैं, उसके बाद 1 और 1234। यहाँ पे मैं जो है इंटर की प्रेस कर देता हूँ। इंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मोबाइल फ़ोन क्या है डेटा है वो यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन का जितना भी डेटा था वो यहाँ पे आ गया है। और अब यहाँ से मैं इसको जो है कॉपी कर सकता हूँ, जितना भी मोबाइल फ़ोन का मेरा डेटा था वो यहाँ पे पहुँच चुका है। और इसको अब मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड कैसे करूँगा इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर आपके पास माई फ़ोटोज़, यहाँ पर मेरे फ़ोटोज़ पड़े होंगे, माई वीडियोज़, माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स, और ये इंटरनल स्टोरेज है। और अगर आप इसको एक्सटर्नल स्टोरेज में ले जाना चाहते हैं यहाँ पे देखें आपके पास मीडिया गैलरी भी मौजूद है और यहाँ पे आपके वो तमाम डेटा पड़ा है जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, अगर कोई फाइल पड़ी है तो उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर नहीं पड़ी लेकिन यहाँ पर देखते हैं कोई अगर पड़ी है तो वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि इससे जो है हौसला बंदे को मिलता है, और सपोर्ट किया करें मेरे चैनल को। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है और इसको मैं क्या करता हूँ, इसके राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वो फाइल भी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखें डाउनलोड की ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड यहाँ से कैसे करेंगे, अभी ये हमारे पास आ चुका है तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेव की ऑप्शन है, तो यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, ये चीज़, ये फाइल जो है हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो अगर हम इसको डिसकनेक्ट भी कर दें अपने मोबाइल फ़ोन को
अपने लैपटॉप से, तो फिर भी जो ये फाइल है यहाँ पे मौजूद रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।